हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने आप देख रहे हो अर्टिगा VXI। अब VXI सुन के बहुत लोगों का अजीब सा लगता है, क्योंकि जनरली जो वीडियोस हमें दिखते हैं नेट पे वो CNG के ही दिखते हैं। लेकिन भाई CNG के अलावा भी लेने वाले लोग हैं, ये पेट्रोल है, पेट्रोल लेने वाले भी जनता है। हर कोई ऐसा नहीं है जिनको भाई महीने में 2,000-3,000 किलोमीटर चलना है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके परिवार में ज़्यादा मेम्बर हैं और भाई उनको चलना कम होता है, वीकेंड पे ही निकलते हैं, तो उनके लिए है भाई ये गाड़ी और अच्छी खासी सेल हो रही है। अब बात इसमें करेंगे इसी को लेकर, बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाती है। बीच का वेरिएंट है सबसे ज़्यादा यही बिकता है VXI करके। जब डीजल आती थी तो VDI बिकता था, हमेशा मारुति के यही रहे हैं L, V और Z। उसमें भाई V वाला ही चूज़ करते हैं लोग। फ्रंट आप देख रहे हो कितना ज़बरदस्त है। जब पहली जनरेशन आई थी बहुत टाइम तक चली, वो भी बहुत बिकी है। लेकिन भाई जब लॉन्च हुई थी 2012 में, प्राइसिंग कितनी थी? सिर्फ 6,60,000 रुपये। मैं मिड वेरिएंट की बात कर रहा हूँ पेट्रोल में VXI की। और आज का समय ये हो रही है 8,86,000 रुपये की एक शोरूम प्राइस, ऑन रोड 10,00,000 के करीब पड़ जाती है। लेकिन भाई एक चीज़ है, जो ये अपडेट आया ना जब क्रिस्टा के बाद ही आई, बहुत लोगों को क्रिस्टा अच्छी लगने लगी लेकिन बजट से बाहर चली गई वो। लेकिन मारुति ने जो अपडेट किया ज़बरदस्त लगा, लुक बहुत बढ़िया लगता है लोगों को देखने में। और अब ऐसा नहीं है केवल टैक्सी वाले लेते हैं, पर्सनल जिनको यूज़ है और प्रॉपर 7-सीटर का यूज़ है वो इसकी तरफ बिल्कुल जाते हैं। और भाई यहाँ ग्रिल आप देख रहे हो पूरी क्रोम में मिल रही है, इसमें कोई भी एक्सेसरी इस समय बाहर की तरफ नहीं लगी हुई। जो भी है स्टॉक है, सिर्फ आपको यहाँ पर जो वाइज़र वगैरह वही दिख रहा है, अंदर सीट कवर वगैरह लगे हैं, कोई ज़्यादा हैवी कुछ भी इसमें ज़्यादा जो एक्सेसरी है वो नहीं लग रही। ग्रिल पूरी क्रोम की मिल रही है, प्रीमियमनेस दिख रही है। यहाँ पर हेडलैम्प की बात करें तो भाई प्रोजेक्टर और रिफ्लेक्टर, ये हो गया लो बीम, ये हो गया हाई बीम, दोनों के दोनों येलो लाइट में ही आते हैं हैलोजन वाली में। नीचे आपको फॉग लैम्प नहीं मिलता, लेकिन जो विड्थ है वो अच्छी खासी है, 1734-35 mm के करीब है। अच्छी खासी प्रेजेंस है रोड पर इसकी। अब मेन चीज़ आती है इसकी जो लंबाई है, वो भाई 4400 mm इसकी लंबाई है। अगर ड्राइवर देखते हैं तो वो सब 4 मीटर में है, छोटे रूट के लिए, ओकेजनल यूज़ के लिए वो चीज़ सही है। लेकिन अगर बात करें प्रॉपर 7-सीटर की तो ये आपके सामने है। व्हील बेस इसका आप देख रहे हो, ये इसकी USP है, मतलब ज़बरदस्त 2740 mm। लंबाई कितनी भी कर दो गाड़ी की, आगे बोनट बढ़ा दो, तो इसका मतलब ये नहीं है अंदर जगह बढ़ जाएगी। लंबाई से कभी भी अंदर कैबिन की जगह का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हम, लेकिन अंदाज़ा किस चीज़ से लगता है, वो लगता है व्हील बेस से। इनोवा जो किंग है इस सेगमेंट की, और भाई फॉर्चूनर, भाई उन दोनों का 2750 mm आता है व्हील बेस, और इसका 2740 mm। अब आप समझ सकते हो सिर्फ 10 mm कम है इसका व्हील बेस। डोर बड़े बड़े हैं क्योंकि यार पीछे के डोर से ही पीछे वाली लास्ट रो में जाना होता है, तो डोर की लंबाई आप देख रहे हो। ओवरऑल साइड प्रोफाइल भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लगती है इसकी। ये फ्रंट व्हील ड्रिवन है, ठीक। अब इतनी लंबी गाड़ी में बहुत लोग कहते हैं भाई चढ़ाई बढ़ाई में पूरे लोड के साथ दिक्कत आती है, लेकिन चल रही हैं तमाम पहाड़ में भी लेकर ही जाते हैं लोग, ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आती। लेकिन रियर व्हील ड्राइव का मज़ा ही अलग है, और रियर व्हील ड्राइव में ये हो जाता है भाई माइलेज कम मिलती है, ये चीज़ आप जानते ही हैं। इसमें माइलेज अच्छी मिलती है, लेकिन स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है इसमें, जिसकी वजह से 19 का कंपनी क्लेम करती है। अब क्लेम चीज़ अलग हो गई, जब हल्के पंजे से चलाओगे तभी वो क्लेम वाली माइलेज निकल पाएगी। स्मार्ट हाइब्रिड भी तभी काम करती है जैसे ही आप एक्सेलरेटर पैडल को स्टिल रखते हो या फिर पीछे कर देते हो, मतलब हटा लेते हो पैर। अगर दबा दबा आप खेचम खेच चला रहे हो ना, तब वो भी काम नहीं करेगी माइलेज। या जनरली आपको हाईवे पर हल्के पंजे से 16, 15.5, 16 ऐसे निकालती है। पीछे का सबसे बढ़िया चीज़ है जो अपडेट हुई है ना उसके बाद, ये जो ग्लास है ये बहुत बड़ा हो गया। लंबाई अच्छी खासी बढ़ी है, प्रीवियस जनरेशन में ये दिक्कत होती थी कि सातों सीट के बाद पीछे जो बूट है वो नहीं बच पाता था। अब जो बढ़िया चीज़ हुई है इसमें यही है, आपको बूट बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है। मतलब आप ये देखो कितना बढ़िया, मतलब ये इसीलिए इनोवा क्रिस्टा का वो एक लग्जरी सेगमेंट हो गया। लेकिन अगर सस्ती कहें, इकोनॉमिकल बजट में कहें, तो भाई ये बहुत बढ़िया मिलता है। और एक चीज़ और बढ़िया है कि ये एडजस्ट कर सकते हो आप, ये रिक्लाइन एंगल एडजस्टमेंट से ये फ़ायदा हो जाता है कि पीछे अगर बड़ा बैग है ना, ऊंचा बैग है, तो आप इसको इस तरह से करो और भाई खड़ा खड़ा बैग ऐसे रख लो, वो आ जाएगा। पहले क्या होता था, पहले ये सीट फिक्स होती थी जिस वजह से थोड़ी दिक्कत होती थी, अब इसमें ऊंचा बैग कहाँ आ पाएगा, नहीं आता था। तो अब सही हो गया, करीब 210-207 लीटर के अराउंड इसका बूट स्पेस है, बढ़िया। और नीचे भी इस तरह से जगह है, ये देखो, तो इसको ऐसे खड़े कर देते हैं, खड़े करने के बाद यहाँ पर ऐसे लंबा लंबा बैग आ जाता है, तो बढ़िया ओवरऑल प्रैक्टिकल है। अभी अंदर की सीट वगैरह भी दिखाऊंगा, ये सारी चीज़ें आपको दिख ही रही हैं। लोडिंग बे भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊंची नहीं है, ट्रिम पूरा आपको दिख ही रहा है। ये लाइट है, ज़बरदस्त लगती है भाई, ये जो दिया काफ़ी बड़ी, पहले थोड़ी सी छोटी लगती थी रियर में देखने पर, अधूरा अधूरा सा लुक लगता था, लेकिन अब आप देख रहे हो काफ़ी बड़ी लाइट है। LED का काम है, बहुत बढ़िया इसकी विजिबिलिटी है। यहाँ पर दोनों आपको जो बल्ब हैं, ये इंडिकेटर और रिवर्स वाला, दोनों हैलोजन है, लेकिन बाकी जो प्रॉपर लुक है वो आप देख रहे हो, आज के ज़माने की लगती है भाई। और ऐसा जल्दीबाजी नहीं होगी कंपनी को इसको अपडेट करने में, क्योंकि बहुत बढ़िया डिज़ाइन निकाला है इसका। वाइपर और जो डिफॉगर है वो नहीं मिलता इसमें,
वो इससे ऊपर के वेरिएंट में चले जाते हैं, जेड में जब जाते हैं तब मिलता है, लेकिन इसमें आपको वो चीज़ें नहीं है। ये थोड़ी सी शिकायत है भाई, ये पहले बड़ा आता था यहाँ हाई माउंट स्टॉप लैंप, वो अच्छा भी लगता था, अब गाड़ी भी बड़ी कर दी है पहले से, लुक भी बड़ा है, लेकिन ये पिद्दू सा कर दिया, पता नहीं क्यों कंपनी को क्या मिला इसमें। लेकिन नीचे आपको सेंसर मिल जाते हैं, 4 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर, और उसके अलावा यहाँ पर दोनों कॉर्नर्स में रिफ्लेक्टर मिल रहे हैं। ये देखें नीचे कोई कैमरा वगैरह इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि म्यूजिक सिस्टम भी सादा वाला आता है 2 डिन, बीच में यहाँ पर सुजुकी का लोगो है, रियर में और कुछ है नहीं, लेकिन लुक ओवरऑल बढ़िया है इसका। साइड प्रोफाइल में फिर से आ जाता है, यहाँ पर आपको मिल रहा है फ्यूल फिलर कैप, पेट्रोल है जैसे मैंने बताया, और इसमें कैपेसिटी जो है वो मिल जाती है आपको 45 लीटर की, टैंक कैपेसिटी 45 लीटर की है। और ग्राउंड क्लियरेंस, क्योंकि इतने लंबे व्हील बेस के साथ और इतने लोड के साथ, जानते हैं ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है, 180mm का मिल रहा है, थोड़ा सा और हो सकता था और बेटर रहता है, लेकिन 180mm शुरुआत से मिलता आ रहा है, ठीक है, सफिशिएंट है। और भाई यहाँ पर देखते हैं हम इसके टायर प्रोफाइल, और टायर है 185/65R15। पीछे से देखने पे इसके हिसाब से ठीक है टायर, लेकिन इसी के साथ की जो आती है XL6, मैं उसमें बता चुका हूँ वैसे, इसमें क्या बताऊँ, उसमें भी यही टायर दे देते हैं पिद्दू से, उसमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन इसमें ठीक है, ओके है, ओवरऑल ठीक लगती है गाड़ी, ऐसा कुछ नहीं लगता, लोगों की आंखों में बस चुकी है भाई ये गाड़ी, इसमें कोई कमी निकाले तो कोई बंदे सीधा कहते हैं ये बुरा है तो ये अच्छा है, ये बुरा है तो ये अच्छा, लेकिन ओवरऑल गाड़ी कूल लगती है, बढ़िया लगती है। अब बात आती है इसके इंटीरियर की, अब इंटीरियर में जाने से पहले देखते हैं भाई ये की, तो सेंट्रल लॉकिंग साथ में मिल रही है आपको, दोनों रिमोट की हैं, वही पुराने ज़माने की, आज तक नहीं बदला, पता नहीं कब बदले, सारी चीज़ें बदल चुकी हैं एक्सटीरियर इंटीरियर, लेकिन ये नहीं बदला, वही निपॉन की आती है। लॉक एंड अनलॉक, इसको खोलते हैं यहाँ से, तो भाई ये है डोर ट्रिम, वही कलर स्कीम अब भी है, प्रीमियम नास के लिए थोड़ा ये बीज कलर का यूज़ करते हैं, लेकिन भाई मेंटेन करने में थोड़ा भारी पड़ जाता है, पहले यहाँ पर फैब्रिक आता था लेकिन अब हट चुका है, लेकिन एक चीज़ है कि ये जो टेक्सचर है वुडन जैसा फील होता है, लेकिन डार्क शेड है वुडन नहीं, प्लास्टिक ही है, लेकिन ठीक है, ओवरऑल देखने में अच्छा लगता है। और भाई चारों पावर विंडो को बटन है, ये बटन हो गया, बाकी की पावर विंडो को इनएक्टिव करने के लिए ये हो गया, मैनुअली आप सेंट्रल लॉक कर सकते हैं यहाँ से। और भाई बाकी ये, हाँ ये अच्छी चीज़ है कि मिड वेरिएंट में भी आपको जो मिरर हैं वो इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल दे दिए हैं, यहाँ से आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी हैं। तो ओवरऑल ये हो गया डोर, नीचे बॉटल होल्डर दिया हुआ है जैसा शुरुआत से आ रहा है, यहाँ पर आपको अदर सामान रखने के लिए स्पेस दिया है, ग्रिल मिल रही है, स्पीकर ग्रिल है, चारों डोर में आपको स्पीकर सेटअप मिलता है, मतलब 4 स्पीकर सेटअप इसमें आपको कंपनी दे रही है। सीट पहले से बढ़िया कर दिया, हल्की सी ऊँची है, पहले से सीटिंग बढ़िया है, और भाई चौड़ाई अच्छी है, अभी आपको देखने में नहीं लग रही क्योंकि सीट कवर लगे हुए हैं ऊपर, इसमें जो भी ले जा रहे होंगे इस गाड़ी को उन्होंने लगवाए, चूज़ किया, सीट कवर बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन जब ये सीट कवर नहीं लगे तो तब और चौड़ी लगती है, अभी बैठ जाएंगे ना तब पता चलेगा, बलैनो जैसे चौड़ी सीट है, अंडर थाई सपोर्ट देखें, देखो भाई साहब ज़बरदस्त, मतलब इसमें बैठ के दिखाता हूँ मैं आपको, ए क्या बात है, बहुत बढ़िया अंडर थाई सपोर्ट है, बंद कर लेते हैं इसे, अरे बंद नहीं हुआ भाई, विंडो खुली हुई है, चाबी को लगाते हैं पहले हम यहाँ, और विंडो को कर लेते हैं बंद, इसके बाद सारी बातें करते हैं अपने, तू भी भाई बंद हो जा, हाँ ये भी बंद हो गया, हाँ अब आई इसकी कहानी, एक बार दोबारा से स्विच ऑफ करके ऑन करता हूँ, स्वाइप अप डाउन वाला तो सिस्टम है नहीं, लेकिन क्लस्टर बहुत बढ़िया कर दिया इसका, पहले काफ़ी बोरिंग सा होता था, एम्बर कलर का होता था, और भाई देख के ये लगता था यार ऊपर की गाड़ियाँ से बलैनो वलैनों में आता था, अच्छा लगता था, लेकिन अब वही चीज़ इसमें डाल दी है, बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है, ऊपर भी कोई ग्लास है, इसके ऊपर भी एक ग्लास है, और उसके अंदर भाई बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रखी हैं, ब्लू शेड की थीम दी है इसमें, क्योंकि स्मार्ट हाइब्रिड है यहाँ पर, जैसे स्मार्ट हाइब्रिड वर्क करता है तो यहाँ पर ये अंदर से जलती है लाइट इसमें ग्रीन कलर की, डायल दिए हैं ये बढ़िया चीज़ है, एनालॉग, यहाँ पर आपका टैको हो गया, यहाँ पर स्पीडोमीटर, यहाँ छोटे छोटे से दिए हैं आपको, ये टेम्परेचर के लिए और ये जो फ्यूल टैंक है उसके लिए, बीच में बढ़िया सी हाई रेजोल्यूशन में यहाँ पर स्क्रीन दी है जो कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाती रहेगी, सारी चीज़ें यहाँ से इस स्टॉक से आप चेंज कर सकते हो इस तरह से, ये देखो, और भाई इस तरह का आपको 2 डिन मिलता है यहाँ पर, ये थोड़ी सी कमी है लेकिन भाई मिड वेरिएंट है, ऊपर का लेते हैं क्यों, इसमें सब कुछ देते हैं, यहाँ पर मैनुअली IRVM दिया है, ये आपको दिया है यहाँ पर मिरर वाइजर पे, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर टिकट होल्डर है बस, और ये लाइट से जनरली येलो, इसको वाइट करना चाहिए कंपनी को, ये पुराने समय से ही ऐसे आ रहे हैं कंट्रोल्स, ये चीज़ अच्छी नहीं, मैनुअल है लेकिन कंट्रोल थोड़े अपग्रेड करने चाहिए, ये चीज़ अपग्रेड हुई है बढ़िया, कि यहाँ पर आप कुछ भी रखोगे सामान ठंडा होता रहेगा, AC वेंट यहाँ पर दिया है, हवा लगती रहेगी ठंडी ठंडी, 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, और भाई कन्वेंशनल है वैसे, यहाँ पर देखते हैं ये स्पेस दिया है, यहाँ पर कंट्रोल आपको दिए हैं और यहाँ पर भी कंट्रोल दिए हैं टेलीफोनी के, ये चीज़ अच्छी है कि इसमें इवन कंट्रोल दे दिए हैं,
इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं स्टेयरिंग को, स्टेयरिंग एडजस्टमेंट भी दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बैटरी, तो भाई ये वही है जैसा माइक्रो हाइब्रिड सिस्टम होता है स्मार्ट हाइब्रिड, वही एक मोटर है, बैटरी सेकेंडरी बैटरी उसका स्टेटस दिखाता रहता है। सीटिंग बहुत अच्छी है, यही इसकी जो प्राइमरी चीज़ है वो है। और जो भी पर्सन सेवन सीटर लेता है उसका प्राइमरी कंसर्न यही होता है कि भाई प्रॉपर सेवन सीटर की तरह वो वर्क करे। अब रियर स्पेस देखें, बड़ा सा दरवाज़ा जैसे मैंने बताया इस तरह से भाई, ओपनिंग बहुत वाइड है, बैठना बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है बैठने में। यहाँ पर ऊंची सीट है पहले से, ये चीज़ अच्छी है। 60-40 वाला जो पोर्शन है उधर वाली टंबल होती है अंदर जाने के लिए, और एक चीज़ बढ़िया है बीच में आपको मिडिल में आर्मरेस्ट दिया हुआ है जो कि नीचा नहीं है, ये चीज़ है नीचा नहीं है, अच्छी खासी हाइट पर है जो कि ज़रूरी भी है। और भाई यहाँ पर आपको पीछे की दोनों रो के लिए, मिडिल रो और लास्ट रो उनके लिए ये आपको एसी वेंट्स, इसी से ही आप कंट्रोल करेंगे। और सेकेंडरी लैंप भी यहाँ पर दिया है। लेग रूम देखो भाई, जबरदस्त है लेग रूम, जो लेंथ बड़ी करी है ना, मतलब 100 mm करीब इसका पहले से जो हमारा व्हील बेस है वो बड़ा हुआ है। अब वो कहाँ चीज़ें दिख रही हैं, वो यहाँ दिख रही हैं। आप देखो फ्लोर कितना फ्लैट है, ऑलमोस्ट फ्लैट है, बीच में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको पीछे वालों के लिए भी दिया एक 12 वोल्ट का सॉकेट। और भाई स्पेस बहुत बढ़िया, तीन बंदे तो बड़े प्यार से बैठते हैं। यहाँ पर भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट है आगे की तरह। और थर्ड रो में आपको मैं ज़रा इसको आगे करके दिखाऊं, ये मतलब यहाँ के लिए सफिशियंट है। मैं अंडर थाई सपोर्ट की बात करूँ, एक दो, ये देखो कितना बढ़िया है, यहाँ के लिए सफिशियंट है। पीछे देखो आप क्या बात है, मतलब इतना कमरा है पूरा। बाकी के कंपैरिजन में मतलब हम जाएं अल्काज़ार जो बहुत महंगी आती है 18-20 lakh रुपए की गाड़ी है, और बाकी सफारी वगैरह में भी जाएं तो भाई उसमें लास्ट रो में ये कंफर्ट नहीं मिलता। हाँ इनोवा से मैं कंपेयर नहीं कर सकता, वो प्रॉपर सेवन सीटर है, लेकिन भाई उनसे ज़्यादा लास्ट रो में कंफर्ट की बात करें तो इसमें मिलता है। ये प्रॉपर बनी ही उसी लिए है, इसमें ज़्यादा कुछ फैंसी चीज़ें आपको नहीं दिखती, लेकिन कोई भी इसको चूज़ करता है तो भाई प्राइमरी सेवन सीटर ही लेना चाहता है, लास्ट रो में कंफर्ट लेना चाहता है तो वही इसको लेता है। और कंफर्ट के लिए आप देख रहे हैं हैंडल तो दिए हैं, साथ में कप होल्डर भी दिए हैं ये रहे। और भाई वहाँ पर जो टॉप मॉडल है उसमें आता है उस जगह पर एक 12 वोल्ट का सॉकेट, इसमें आप ऊपर से लगवा सकते हैं। हेडरेस्ट यहाँ पर भी दिए हैं, और भाई स्प्लिट सीट लास्ट रो में भी है, ये चीज़ बढ़िया 50-50 की। तो इस तरह से हो जाती है। इसको कर देते हैं हम फिर से पीछे, आगे पीछे अंदर बाहर सब देख लिया आपने। अब बात आती है इसके इंजन की। इंजन इसमें मिल जाता है आपको 1500 cc का, जो 103 bhp की पावर देता है। और उसके साथ टॉर्क की बात करें तो भाई करीब 138 Nm का टॉर्क दे देता है। एवरेज जैसा मैंने बताया 19.1 है, कंपनी क्लेम्ड है, अच्छे से चलाते हो आराम से करीब 17 तक निकाल देती है। ओवरऑल गाड़ी की सेल्स बताती हैं कितनी सक्सेसफुल है, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पेट्रोल की तरफ ध्यान इसीलिए गया क्योंकि बहुत लोग हैं जो पूछते हैं, और ये सोचते हैं कई लोग कि भाई ये लेकर हम लाख रुपए कंपनी फिटेड को ना दें, इसमें 50,000 की लगा दें, ऐसा मत करना। जिसको CNG लेनी हो भाई, रनिंग ज़्यादा है जिसकी, वो CNG की तरफ कंपनी फिटेड की तरफ ही जाना। इसको रनिंग कम है आपकी और प्रॉपर सेवन सीटर चाहिए तो इसकी तरफ आप जरूर आ सकते हो। 10 lakh rupees ऑन रोड उत्तराखंड में ये पड़ रही है। तो भाई इस तरह से थी वीडियो कैसे लगी बताना जरूर। गाड़ी तो भाई ज़बरदस्त है, इसके लिए लाइक नहीं मांगूंगा, वीडियो के लिए मांगूंगा। भाई वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों का सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल। जय हिंद।